कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त किया गया है। टाल ब्लॉक में रेगजीन कुएं से कबल और गैस का जखीरा यहां पर मिला है। POL की जानब से बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कुएं से यौमिया 250 बैरल खाम तेल जबकि 20 मिलियन मीटर स्टैंड क्यूबिक गैस मिलेगी, ये बताया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन खबर है, खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। आपको बता दें कि टाल ब्लॉक में रिजगरोन कफील से ये तेल और गैस का ज़खीरा यहाँ पर कुएं से बरामद किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या खबर सामने आ सकी है? देखिए, ये मिल्की मीशत के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के जखायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं और टॉल ब्लॉक में जो है वो जरगेज मनकुमे से जो है वो तेल और गैस का जो जखीरा अब तक जो है वो मिल गया है। इससे अगर बात करें पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से, तो कुएं से यौमिया जो है वो 250 बैरल खाम तेल और 20 मिलियन जो मीटर है वो गैस जो है वो दस्तियाब होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि कुएं की जो खुदाई इस साल जनवरी में आगाज जो है वो किया गया था और तेल और गैस की जो कुएं हैं वो POL के बजाय इस पर दिया गया था, जबकि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इस हवाले से बाकायदा जो है वो इन्फॉर्म कर दिया और खत जो है वो भेज दिया गया है। ठीक है, इस हवाले से खत भी अरसाल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे कफील, बेहद शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।